हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। टुडे इज द सीरीज ऑफ पार्ट 5 ऑफ करंट अफेयर्स विद 500 एमसीक्यूज। वी हैव कवर्ड 400 प्लस फैक्ट्स इन द लास्ट सीरीज ऑफ आर करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 5 ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्रीज प्रेसिडेंट इब्राहिम बुबाकर कीटा हैज रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट रिसेंटली। ठीक है, आपके ऑप्शन है कॉन्गो, घाना, केन्या या माली। तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी पर्सनालिटीज हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री के, अगर कोई रीसेंट करंट में कोई रेजिग्नेशन होता है या रिप्लेसमेंट होता है तो आपको वो चीजें याद रखनी है। तो जो इसका आंसर है, बुबाकर कीटा जो है उन्होंने रिजाइन किया है। वो कहां के प्रेसिडेंट थे? वो थे माली के प्रेसिडेंट। ठीक है, और इनके रेजिग्नेशन के बाद अभी असीमी गोइटो जो है अभी इनकमेंट प्रेसिडेंट बने हैं माली के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। देखिए, जितनी भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सेबी हो गया आपका, एनडीबी हो गया, एडीबी हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सभी के बारे में आपको चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है वो याद होने चाहिए। इफ अगर करंट में कोई चेंज है तो वो भी याद होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी ऑफ सेबी। तो आपके ऑप्शन है जीपी गर्ग, राहुल सचदेव, कमल त्यागी, नमन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जीपी गर्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच आईपीएस ऑफिसर हैज बीन अपॉइंटेड एज द स्पेशल सेक्रेटरी फॉर इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स रिसेंटली। ठीक है, अभी अभी कोई अपॉइंटमेंट हुआ है स्पेशल सेक्रेटरी का, कहां पर हुआ है? इंटरनल अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो जो रिसेंट के अपॉइंटमेंट्स हैं उन पे भी आपको नजर मारनी है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका वी एस के कौमुदी जो है वो क्या बने हैं अभी स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यूनाइटेड किंगडम हैज लॉन्च्ड हाउ मेनी मिलियन पाउंड्स इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। देखिए, यूके ने अभी एक फंड दिया है, इनोवेशन चैलेंज फंड टू इंडिया, इसलिए ये क्या हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूके ने कितना फंड दिया है इंडिया को? अबाउट 3 मिलियन पाउंड्स। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जल नायक कॉम्पिटिशन 2.0। देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके जो सिलेबस में है स्कीम्स करके एक जो टॉपिक है वो मेंशन है। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है वो आपको याद करनी है। तो विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड जल नायक कॉम्पिटिशन, और ये जो जल नायक कॉम्पिटिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कोकोनट डे 2020? देखिए, जितने भी डेज हैं वो सेलिब्रेट होते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ थीम रहती है। इफ दे आर रिलेटेड टू एनवायरमेंट और साइंस और टेक, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वर्ल्ड कोकोनट डे की जो थीम थी इस साल वो थी आपकी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। देखिए, वर्ल्ड कोकोनट डे जो है वो आपका आता है 2 सितंबर को। ठीक है, 2 सितंबर को आपका वर्ल्ड कोकोनट डे आता है। और नेशनल कोकोनट डे, ठीक है, नेशनल कोकोनट डे जो है वो आपका आता है 26 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आफ्टर द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस विल बी देयर बी इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर जो है अभी अभी इंडिया का पार्ट बना है और अभी उसके लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020 जो है वो अप्रूव्ड हुआ है। तो उसमें कितनी लैंग्वेजेस अप्रूव्ड हुई है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर? 4, 5, 6, 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5। और वो 5 लैंग्वेजेस कौन सी है?
सबसे पहली तो हो गई कश्मीरी, ठीक है, उसके बाद हो गई उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और सबसे इंपॉर्टेंट है डोगरी, ठीक है। तो ये पांचों लैंग्वेज जो है वो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कितनी लैंग्वेजेस हुई है, और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है जम्मू एंड कश्मीर में है या नहीं है। तो ये पांचों लैंग्वेज कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, डोगरी, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली विच कंट्री हैज डिस्कवर्ड AUDFS 01, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टेंट स्टार गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका रिलेटेड है स्पेस से, यूनिट 7 आपका कवर करता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। तो इसका जो आंसर है द मोस्ट डिस्टेंट स्टार गैलेक्सीज AUDFS 01 जो अभी डिस्कवर किया है, तो वो कौन सी कंट्री ने डिस्कवर किया है, तो इसका आंसर है इंडिया। इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रीलिम्स। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO चेयरमैन जी सतीश रेड्डी फॉर हाउ मेनी इयर्स। देखिए इस क्वेश्चन में ही एक फैक्ट है आपका कि DRDO के जो चेयरमैन है वो कौन है, जी सतीश रेड्डी, और इनका जो टेन्योर है वो कितने साल से एक्सटेंड हुआ है, 3, 4, 5, 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 years, 2 years के लिए जी सतीश रेड्डी का जो है टेन्योर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए DRDO जो है स्पेस एजेंसी है, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर DRDO का जो फॉर्मेशन ईयर है, फॉर्मेशन ईयर आपको याद होना चाहिए, चेयरमैन याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट has announced to give which of the following percentage of reservation to the people entering government jobs, ठीक है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना रिजर्वेशन जो है अनाउंस किया है फॉर द गवर्नमेंट जॉब, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, 100%, 100% रिजर्वेशन जो है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है फॉर द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग टू रिड्यूस ट्रांस फैट इन फूड आइटम्स फ्रॉम 5% टू व्हाट परसेंटेज बाय 2022 ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें कि क्या कहा गया है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिपेयर क्या किया है, ट्रांस फैट को रिड्यूस करना है फ्रॉम 5 to 2%, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, 2% बाय द ईयर 2022। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ट्रांस फैट रिड्यूस करना है 5 से 2021, तो 2021 अगर होता है इसकी जगह, तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3%, ठीक है। तो ट्रांस फैट रिड्यूस करना है 21 में अगर टारगेट है तो 3%, और 2022 पूछा है तो उसका आंसर क्या है, 2%। चलिए नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अ 3800 ईयर ओल्ड आइडल ऑफ कीरत देवी हैज बीन फाउंडेड 300 मीटर्स बिलो, ठीक है। एक एक्सकेवेशन में एक आइडल निकला है कीरत देवी का जो कि 3800 साल पुराना है, तो ये कहां पर पाया गया है, तो ये है आपका डी, नेपाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एलोकेशन ऑफ हाउ मेनी एयर रूट्स इन द फोर्थ फेज, इन द फोर्थ फेज ऑफ द रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान, ठीक है। आप सभी को मालूम है उड़ान क्या है, उड़े देश का नागरिक, और उसके अंडर अभी रिसेंटली में कितनी एयर रूट्स जो है वो एलोकेट की गई है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका आंसर है आपका C, 78 एयर रूट्स जो है वो अभी एलोकेट हुई हैं। चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विद अ नेट वर्थ ऑफ $200 बिलियन, ठीक है। कौन सा पहला व्यक्ति है जिनका जो अभी नेट वर्थ है वो $200 बिलियन हो गया है, तो इसका आंसर क्या है बताइए आप मुझे, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग या बिनी बंसल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, जेफ बेजोस। Who has
recently become the first Indian celebrity to give voice to Amazon Alexa. आप सभी को मालूम है Alexa आप लोग use भी करते होंगे घर पे, तो Amazon Alexa को जो first Indian celebrity है जिन्होंने voice दिया है, तो वो है आपका, बताइए आप, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन, परेश रावल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अमिताभ बच्चन। Recently, which Indian has been given the Lifetime Achievement Award for 2020 by Euromoney? Euromoney के द्वारा Lifetime Achievement Award, इनमें से कौन से इंडियन को दिया गया है? रघुराम राजन, अरुंधति भट्टाचार्य, रोशनी नादर या आदित्य पुरी? तो आदित्य पुरी जो है इसका करेक्ट आंसर है। When is World Ozone Day observed every year? World Ozone Day जो है हर साल कब मनाया जाता है? 16/11/22/18 सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 16 सितंबर को। When is Engineers Day celebrated every year? 15/11/14/17 सितंबर। इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? तो Engineers Day जो है वो सेलिब्रेट होता है आपका 15 सितंबर। और आप सभी को मालूम है ये किस के बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है? तो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया के बर्थडे पे ये सेलिब्रेट होता है। क्या? इंजीनियर्स डे ऑन 15th सितंबर। आफ्टर हुम हैज द यूपी गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड द मुगल म्यूजियम? यूपी गवर्नमेंट ने अभी ये जो मुगल म्यूजियम है इसका नाम अभी चेंज किया है, रीनेम किया है। तो क्या है इसका आंसर? प्रणब मुखर्जी, छत्रपति शिवाजी, अरुण जेटली या महाराणा प्रताप? तो बिल्कुल भी आपको यहाँ पर सोचना नहीं है। मुगल म्यूजियम का नाम उन्होंने बदल कर क्या कर दिया है? छत्रपति शिवाजी कर दिया है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। Who has been appointed by the Asian Development Bank as the country director of India recently? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है who has been appointed as the Asian Development Bank as the country director? कंट्री डायरेक्टर पूछा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक का ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ताकियो कोनिशी। ठीक है, ताकियो कोनिशी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। और 19 दिसंबर 1966 जो है यह आपका क्या है? एडीबी का फॉर्मेशन डे है। और आप सभी को मालूम है एडीबी का जो हेडक्वार्टर है वो आता है आपका फिलीपींस में। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? देखिए इंडेक्स के क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछे जाते हैं, इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है या फर्स्ट पोजीशन पूछा जाता है। तो ये आपको जो इंडेक्सेस हैं ये याद रखने हैं, और इंडेक्सेस रिलीज कौन करता है ये भी आपको याद रखना है, जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग जो है वो कौन सी है? 46, 48, 50 या 54? तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 48। ठीक है, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये कौन रिलीज करता है? विपो रिलीज करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये यूएन की एक एजेंसी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम Recently, Google has partnered with which of the following country apart from India for artificial intelligence powered flood forecasting? ठीक है, powered flood forecasting artificial intelligence use किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका unit 9 जो है clear cut mention है आपका उसमें artificial intelligence। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूनिट 9 से। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि गूगल ने अभी किसके साथ पार्टनरशिप की है फॉर द फ्लड फोरकास्टिंग, है ना, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यूज किया गया है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। मतलब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि गूगल ने पार्टनरशिप इंडिया के साथ तो कर ही रखी है। इंडिया के अलावा कौन है यहाँ पर? तो इंडिया के अलावा है यहाँ पर डी ऑप्शन, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड नंबर वन सोलर पावर कंपनी इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी? कैपेसिटी के टर्म्स में वर्ल्ड का नंबर वन
सोलर पावर कंपनी जो है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी वो कौन सी है, अडानी ग्रीन, टाटा पावर एनटीपीसी लिमिटेड या जेएसडब्ल्यू एनर्जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका अडानी ग्रीन्स, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द टेक्सटाइल सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड यूनियन गवर्नमेंट ने एक एमओयू साइन किया है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर बिटवीन इंडिया एंड विच कंपनी? ठीक है, इंडिया एंड विच कंपनी? तो इसका जो आंसर है वो है आपका क्या, जापान। जापान और इंडिया के बीच में टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर एक एमओयू साइन हुआ है जिसको यूनियन कैबिनेट ने क्या दिया है, अप्रूवल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू मेक इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म सिटी। इंडियाज मोस्ट ब्यूटीफुल फिल्म सिटी जो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट जो है जिन्होंने अनाउंस किया है, झारखंड, गुजरात, यूपी, आसाम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट। इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट हैप्पीनेस म्यूजियम ओपन्ड रिसेंटली? देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट हैप्पीनेस म्यूजियम ओपन हुआ है इनमें से कौन सी कंट्री में, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या डेनमार्क? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना? देखिए, योजना से रिलेटेड, स्कीम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपको सभी याद होने चाहिए, कौन सी स्कीम कौन से राज्य की है, जो भी इंपॉर्टेंट अभी करंट में चल रही होगी या जो अभी लॉन्च हुई होगी उस पर आपको क्या है ज्यादा ध्यान देना है, वुमेन एम्पावरमेंट की या जो है आपका अभी फार्मर्स को लेके जितनी स्कीम है, तो ये कुछ स्कीम जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की, तो कौन सी सरकार ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या पंजाब? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच इंडियन हैज बीन रिसेंटली सिलेक्टेड फॉर द एशिया गेम चेंजर अवार्ड? देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है, पिछले वीडियोस में भी बताया है कि एमपीपीएससी में अवार्ड से रिलेटेड, और चूंकि आपके सिलेबस में भी मेंशन है द अवार्ड वाला पार्ट यूनिट 8, तो आपको अवार्ड जो है वो याद होने चाहिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020, तो ये मिला है आपका डी ऑप्शन, विकास खन्ना को। ठीक है, नेक्स्ट। रिसेंटली विच इंडियन सिटी हैज टॉप्ड इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय आईएमडी? देखिए, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इंडेक्स से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंडेक्सेस जो है वो याद होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो है डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है, तो ये जो स्मार्ट सिटी का जो हमारा टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जो है आईएमडी ने रिलीज किया है इसको, और ये इसमें टॉप किसने किया है, जयपुर, भोपाल, सूरत, हैदराबाद? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, हैदराबाद। ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? वर्ल्ड बैम्बू डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो डेज जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वर्ल्ड बैम्बू डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है 18 सितंबर को। ठीक है, 18 सितंबर को वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट होता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020? वर्ल्ड बैंक जो है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को रिलीज करता है हर साल, तो इस साल जो 2020 है उसमें इंडिया की रैंक क्या है यह आपको बताना है, 108, 112, 116 या 124? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 116 रैंक है इंडिया का इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। ठीक है, नेक्स्ट। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व एवरी ईयर? जो डेमोक्रेसी डे है, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 15 सितंबर को। ठीक है, 15 सितंबर को आपका इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी मनाया जाता है हर साल। चलिए नेक्स्ट। कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वॉच इन एसोसिएशन विद विच बैंक? देखिए, टाइटन कंपनी ने एक वॉच बनाई है, इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्ट
कैशलेस पेमेंट वॉच तो किस बैंक के साथ मर्ज कोऑपरेट करके बनाया है? SBI, PNB, HDFC या BOB? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, SBI. नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम फर्स्ट गेम्स कंपनी? ठीक है, पेटीएम फर्स्ट गेम कंपनी, ये गेमिंग ऐप है, पेटीएम ने इसको लॉन्च किया है, तो इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? विराट कोहली, सुनील चिशनी, सचिन तेंदुलकर या कपिल देव? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सचिन तेंदुलकर. रिसेंटली इंडियन प्लेयर सदाशिव पाटिल, ठीक है, सदाशिव पाटिल हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमेशा पूछे जाते हैं कि जितने भी पर्सनालिटीज हैं, या तो पूछा जाता है कि वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, या वो किस बैकग्राउंड से रिलेटेड है, कौन से आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है, कौन सी उन्होंने बुक लिखी है. तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो फैक्ट है वो आपको याद होना चाहिए. तो यहाँ पर पूछा गया है सदाशिव पाटिल के बारे में, जिनका अभी कुछ टाइम पहले निधन हुआ है, तो वो आपको बताना है कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या कबड्डी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, क्रिकेट. ठीक है, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? देखिए जापान में अभी न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इनमें से वो कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है सी, योशीहिदे सुगा. और आपको ये पता होना चाहिए इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने रिप्लेस किया है शिंजो अबे को, शिंजो अबे को रिप्लेस किया है. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिंजो अबे जो है द लॉन्गेस्ट टर्म सर्व्ड इन जापान एज प्राइम मिनिस्टर, लॉन्गेस्ट पीएम रहे हैं ये जापान के शिंजो अबे, और अभी अभी इनको इंडिया ने पद्म विभूषण से भी नवाजा है. ठीक है, पद्म विभूषण भी इनको मिला है, किनको? शिंजो अबे को. और इनको रिप्लेस किसने किया है? तो योशीहिदे सुगा ने किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स? देखिए एक इंडियन है, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ मेंबर ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन टास्क फोर्स, और वो है आपके गिरिजा शंकर मुंगाली. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, जब आप कोई भी इंडियन जो है वो किसी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर विल इंडिया फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी बी एस्टैब्लिश्ड? इंडिया का पहला कोस्ट गार्ड अकेडमी कहाँ एस्टैब्लिश हुआ है? देखिए हम हमेशा पढ़ते हैं फर्स्ट फर्स्ट ये फर्स्ट वो, तो आपको फर्स्ट चीज तो हमेशा याद रखनी है कि पहला कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कौन है ना. तो आप जो फर्स्ट कोस्ट गार्ड अकेडमी है ये कहाँ एस्टैब्लिश हुई है? तो ये एस्टैब्लिश हुई है आपका कर्नाटका में. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. व्हेन इज वर्ल्ड राइनोसोरस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 22 सितंबर. 22 सितंबर को हमेशा वर्ल्ड राइनोसोरस डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट, विच सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज बीन एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली? देखिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को अभी एड्रेस किया है पीएम मोदी ने, तो वो कौन सा सेशन था? 65th, 75th, 85th या नन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, 75th सेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है. किसको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली. आप सभी को मालूम है इसका जो एस्टैब्लिशमेंट डेट है वो है 1945. चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? ठीक है, वर्ल्ड अल्जाइमर डे हमेशा कब ऑब्जर्व होता है? 21, 25, 19 या 23 सितंबर को? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमेशा सेलिब्रेट होता है 21 सितंबर को. ठीक है, who has won the वुमेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल ऑफ द ईयर 2020? तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये एक टेनिस टूर्नामेंट है. ठीक है, वुमेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल ऑफ द ईयर 2020 ये किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है सिमोना हालेप.
अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने ये टाइटल जीता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पलट के भी आ सकता है कि सिमोना हालेप जो है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेट करती हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास क्रिकेट, हॉकी, टेनिस या टेबल टेनिस। तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि सिमोना हालेप जो है वो टेनिस को बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज वोन द मेन्स सिंगल इटालियन ओपन टाइटल ऑफ द ईयर 2020। अभी हमने देखा वुमेन्स का, और अभी मेन्स सिंगल इटालियन ओपन टाइटल जो है वो किसने जीता है, तो वो जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। ठीक है, Which Indian has recently won the IG Nobel Prize 2020? कौन से इंडियन ने अभी IG Nobel Prize जो है जीता है? देखिए IG Nobel Prize जो है ये साइंटिफिक ह्यूमन मैगजीन जो है ये इसको निकालता है हर साल, और इस बार ये जो प्राइज है ये मिला है नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। और इसमें एक और फैक्ट ये जुड़ जाता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ये हमारे इंडिया के सेकेंड पीएम हो गए हैं ये अवार्ड पाकर, आईजी नोबेल प्राइज 2020। तो अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि पहला आईजी नोबेल प्राइज विनर इंडियन पीएम प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो वो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी। इन 1998 में उनको ये अवार्ड मिला है, और सेकेंड किसको मिला है तो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Recently, who has become the new chairman of National Technical Research Organization NTRO जो है इसके अभी नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये है बताइए आप, प्रकाश सक्सेना, सुरेश जिंदल, अनिल धस्माना या अरुण प्रताप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, अनिल धस्माना। किसके बने हैं वो? नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के। Who has appointed as the new advisor to the executive director of IMF? देखिए IMF बहुत बहुत important organization हो जाता है from the point of view of prelims international organization है। तो इसमें जितने भी president, chairman या उसका foundation year है आपको याद होना चाहिए। तो अभी जो new advisor है executive director वो कौन बने हैं अभी, तो इसका answer है डी, सीमांचल दास जो है अपॉइंट हुए हैं न्यू एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF। ठीक है, IMF में ये हुआ है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए IMF में अभी बहुत चर्चित नाम रहा है चीफ इकोनॉमिक्स का, तो वो कौन है आपकी? गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ जो है वो क्या है? CE, चीफ इकोनॉमिस्ट है। वॉशिंगटन DC में जो है हेडक्वार्टर है IMF का, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है IMF का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जॉन टर्नर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी डेथ हुई हैं अभी रिसेंट में करंट में वो आपको पर्सनालिटीज अगर याद रखनी है, ठीक है, पर्सनालिटीज जो है वो आपको याद रखनी है। प्राइम मिनिस्टर जॉन टर्नर जो है अभी जिनकी डेथ हुई है वो किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो वो है आपका कनाडा। ठीक है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो कब सेलिब्रेट होता है हर साल, तो वो होता है 20 सितंबर को। ठीक है, विच कंट्रीज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रूथ बैडर गिंसबर्ग हैज डाइड ऑफ कैंसर रिसेंटली? Which country Supreme Court Justice Ruth Bader Ginsburg has died of cancer recently? तो ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं आपके अमेरिका को बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। How many Indians have got a place in the list of 100 most influential people of the recently released magazine 2020 most इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में इंडिया के कितने लोग शामिल हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 5। अब 5 लोग वो कौन कौन से हैं? पहले हैं आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे हैं आपके आयुष्मान खुराना जो कि एक्टर हैं, फिर उसके बाद तीसरी है बिस्किल जो है उनको प्यार से बुलाते हैं दादी,
इन्होंने शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था, इसलिए इनको भी मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल टॉप 100 में जगह दी गई है। उसके बाद फोर्थ आते हैं आपके सुंदर पिचई, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई। और फिफ्थ आते हैं आपके रविंद्र गुप्ता। रविंद्र गुप्ता जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया है एचआईवी और एड्स संबंधित जानकारी के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज रिसेंटली रिलीज्ड द बुक अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑथर्ड बाय डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ठीक है। बुक्स का क्वेश्चन आप सभी को मालूम है कि हमेशा पूछते हैं, कोई ना कोई एक या दो क्वेश्चन हमेशा बुक और ऑथर का आता ही आता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो बुक है अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑथर्ड बाय कृष्णा सक्सेना, उसको किसने रिलीज किया है, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या अमित शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने इनको रिलीज किया है। Who has recently become the beauty brand ambassador of Myntra? Myntra की जो beauty brand ambassador है वो इनमें से कौन है, आलिया भट्ट, श्रुति हसन, दिशा पटानी या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, दिशा पटानी। Recently famous personality भूपेश पांड्या has passed away. देखिए मैंने अभी आपको बताया कि डेथ पर्सनालिटीज जो है वो आपको याद करनी ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका बनता ही बनता है। तो जो भूपेश पांड्या है वो इनमें से किस चीज से रिलेट करते हैं, एक्टर, ऑथर, साइंटिस्ट या सिंगर। तो वो रिलेट करते हैं ए, एक्टर। भूपेश पांड्या जी जो है वो एक एक्टर रह चुके हैं। Recently NCAER has estimated what percentage of India's GDP will be in the financial year 2021. NCAER ने अभी estimate किया है India का GDP क्या होगा in the financial year 2021. तो इसका जो correct answer है वो है आपका option B, -12.6 जो है इसका correct answer है। देखिए ये जो NCAER है ये है आपका National Council of Applied Economic रिसर्च, जो कि 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था। और नंदन निलिकेनी जो है, नंदन निलिकेनी बहुत बार आपने नाम सुना होगा, निलिकेनी ये इसके अभी प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। और हेडक्वार्टर जो है इसका दिल्ली में आता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट व्हेन इज नेशनल सर्विस स्कीम डे, NSS डे celebrated every year, 20 September, 24, 25, 18 September. तो इसका जो correct answer है, National Service Scheme Day कब celebrate होता है, तो ये होता है आपका option B, 24 September को हर साल celebrate होता है, ठीक है। तो आज का जो lecture है हम यही conclude करते हैं। Hope आप सभी को ये जो question है बहुत ज्यादा relatable और बहुत ज्यादा important लग रहे होंगे from the exam point of view। आप सभी को ये जो series है ये free of cost है, आप सभी इसका जो है फायदा उठा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा आपकी preparation को profit मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी series जो है, ये parts जितने भी हैं आप ये सभी देखिए फटाफट, और जो है इसको रिवाइज कीजिए करंट अफेयर्स को। बहुत सारे फैक्ट जो है हमने इसमें डाले हुए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। डेट का तो खैर आज मैंने सारी डेट्स देखी, सारी डेट्स।